आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं लूप्स। वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम लूप की बात करेंगे। तो पुष्पेंद्र जी हमारे साथ हैं और उनको थोड़ा बहुत लूप्स वीवीए का थोड़ा बहुत हर चीज से पता है इनको, तो लूप भी इनको पता है, लेकिन एक सही ढंग से हर एक चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि कोई चीज रह ना जाए। तो लूप जो है दो कैटेगरी के होते हैं, पहला होता है फोर लूप और दूसरा होता है हमारा डू लूप। फोर लूप में भी एक होता है जिसको आम भाषा में बोलते हैं कि आई फोर आई, जनरली बोलते हैं लेकिन वो स्टार्ट टू एंड होता है। दूसरा होता है फोर इच। ओके सर, डू में भी आपको वाइल होता है और अंटिल होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लूप का काम होता है रिपीटेशन, मतलब कि एक ही टास्क को कई बार रिपीट करके करना। तो अगर हम फोर आई लेते हैं तो मुझे इसकी स्टार्टिंग टू एंडिंग देना होता है, 1 to 100 चले ऐसे देना होता है। ओके, फोर एच में मुझे एक सिलेक्टेड एरिया देना होता है कि भाई सिलेक्शन या ऑब्जेक्ट या उपग्रह वगैरह। और वाइल और अंटिल में एक हमें देना होता है कंडीशन कि भाई कब तक लूप चले। सर यस सर, चलिए हम फोर से स्टार्ट करते हैं। तो फोर फोर जनरली आपको पता है ना? हाँ जी सर पता है, फोर कलेक्शन लूप भी पता है, ईच फोर ईच। हाँ फोर ईच। हाँ तो फोर में स्टेप पता है सर आपको? हाँ जी सर, स्टेप स्टेप हाँ स्टेप पता है। स्टेप जैसे आप रिवर्स में करेंगे तो स्टेप का यूज होता है ज्यादातर जी। और जो स्टेप जब रिवर्स में यूज करते हैं फॉर लूप को, तो वहां पर भी स्टेप का यूज होता है। ओके चलिए, आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, वो सब मुझे पता है लेकिन आप थोड़ा सा आगे बढ़िए। हाँ, मतलब कि स्टेप का मतलब ये होता है, जैसे लूप आपने आपने लूप स्टार्ट किया तो लूप जी क्या किया, उसमें आपने ये किया, जैसे कि बताता हूँ आपको, एक बार समझा, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। सब्जेक्ट, जैसे कि नॉर्मली लूप होता है कि फोर आई इक्वल टू चले 1 to 100 नेक्स्ट आई हमने कर दिया जी। भी लिखा हुआ है उसको, जो भी लाइन होंगे उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से वो फॉलो करेगा। ठीक है ठीक है, ये होगा। हाँ ये क्या करेगा, मतलब कि स्टार्टिंग टू एंड होगा। क्या होगा, स्टार्टिंग टू एंड होगा। स्टेप -1 कर दिया तब क्या होगा, अगर -1 हो गया तो क्या होगा। अब इसको देखिए 99, इसको एक मैं डिवर्क करके बताता हूँ क्या होगा। डिवर्क हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा स्टेप। तो ये जो आई क्या है, आई इम्पेरेटिव है। अब मैं यहाँ करता हूँ, तो यहाँ आई आपका एन पे जो आ गया एंड -1 क्या होगा कि आपका एक रिवर्स में चलेगा जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आई क्या है हमारा 100। अगर मैं स्टेप 1, इससे पहले जो मैंने लिखा था 1 to 100 था। क्लियर सर जी। लेकिन इसमें अगर स्टेप 1 यहां पे कर दूं, सिर्फ प्लस में करूं तो क्या होगा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर मैं प्लस में किया तो क्या होगा, ये आपका 1 से चलेगा, ये नॉर्मल चलेगा सर, ये नॉर्मल चलेगा आपका।
जी अब यहाँ पे मैं एक बार और करता हूँ कि स्टेप यहाँ पे टू करता हूँ प्लस वन स्टेप टू का मतलब ये हो गया कि एक हर मतलब कि आपका वन से स्टार्ट हुआ तो हर ऑड नंबर पे करेगा, टू से स्टार्ट हुआ तो हर इवन नंबर पे करेगा, समझे सर? हर दूसरे को स्किप करेगा। अच्छा, टू को स्किप किया इसने। हाँ, जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, चलिए स्टेप हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल आई कॉमा वन इक्वल टू आई। तो अभी जो है आप यहां देखेंगे एसी में होगा, मैं इसको रन किया तो आप यहां देखेंगे कि एक से लेके हंड्रेड तक टाइप हो गया ना सर जी। और यहां पे अगर हम यहां पे कर दूं स्टेप टू प्लस सर इवन नंबर को वो कर दिया, हटा दिया सर, ऑड नंबर वन से स्टार्ट है, इवन चाहिए आपको कि आप चाहते हर इवन नंबर चले तो यहां पे आप टू से टू फोर सिक्स एट। ओके ओके, अब मैं यहां पे फिर वापस वन से स्टार्ट करता स्टार्ट करता हूं और यहां पे मैं कर देता हूं स्टेप थ्री। थ्री करने पे क्या होगा चलिए देखते हैं। तो तीन तीन का गैप पड़ रहा है ओके, ऐसे मैं स्टेप टू कर दूं, स्टेप फोर कर दूं तो चार चार का गैप देगा। ओके, इसका यूज क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या है इस तरह के लूप का, तो चलिए इसके लिए एक छोटा सा हम डेटा बनाते हैं, ठीक है? नेम थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं तो आपको इससे पता चल जाएगा। तो ये नाम कहीं डिफाइन कर रखा है क्या आपने अपना? आपका स्टेप लिस्ट डिफाइन है। अच्छा, एक्सेल ऑप्शन में होता है, एक्सेल ऑप्शन के रेक्टेंगल आपको दिखेगा, ठीक है? अब मुझे इसमें क्या है कि मुझे इसमें से हर तीसरे को उठाना है, समझ गए? मैं दो से उठाऊंगा और तीसरे को हर तीसरा डेटा उठाना है, वो हर तीसरा तीसरा रोना है, तो ऐसा हो सकता है कि हर तीन के बाद यहाँ पे आपका टोटल होगा, समझे? ओके, ये फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें एक मैं करता हूँ, इसको एक बार सॉर्ट करता हूँ, देखिए डेटा में जरूरत पड़ जाती है सर, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं इसे एक काम करता हूँ, यूज करता हूँ यहाँ डेटा मेनू बार में होता है हमारे पास सब टोटल, मुझे सम करना है इसके सब टोटल, सबको सम करना है, ठीक है? ठीक है, क्या आ गया आपका? अब मैंने क्या किया इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके एक नई सीट पे पेस्ट कर, नॉर्मल पेस्ट वैल्यू पेस्ट कर देता हूं,
अब मुझे इस इसमें से जो है मेरे टोटल वाले है उसको उठाना है। ठीक है सर, ठीक है सर। चार का हाँ तो चले प्रतित्री तक यहाँ पे इसी पे लगा, यहाँ पे हमारा होगा टू से स्टार्ट होगा क्योंकि डेटा हमारा टू से है जी। टू से स्टार्ट होगा कहाँ तक? 43 तक। और यहाँ पे मैं हर स्टेप टू ने स्टेप थ्री कर देता हूँ। ठीक है, और हम इसमें का उठा के मुझे मान लीजिए एच पे रखना है, एफ तक का ना, ए से एफ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेंज ए के साथ माइन होगा आई कॉमा वापस एफ के साथ कंबाइन होगा आई डॉट कॉपी यहां पे रेंज एच 65,000 एंड एक्सेस ऑफ ऑफसेट 1,0। ठीक है सर, ओके सर, इसको मैं रन करता हूं। एक मिनट मिनट मिनट, इसमें कुछ गलती करनी है सर। चार स्टेप लेना था मुझे लग रहा है। एक मिनट, चार है ना, पांच लेना पड़ेगा। इंदर खोल लिया, ये लिया पहले इसने, ये कविता लिया। एक स्टेप कम करना होगा मुझे यहाँ पे, चार चार ले लेगा सर। पहला वन से हम लोग कर रहे हैं ना, दो से कर रहे हैं, वन से कर रहे हैं, वन से होगा तब दो से कर रहे हैं तो इसे दिखा, बाय डिफॉल्ट वन ले ले रहे हैं। टोटल लिया एक से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो मुझे इस पे एक होगा, फिर एक दो तीन चार पांच, तो पांच होगा सर यहाँ। पहला तो उठाएगा उठाएगा उसने, ठीक है सर। लेकिन मोहन टोटल नीचे का गलत लिया है, पूजा टोटल, टीटू उदय योगेश जो है कब है, इसलिए इसका दिक्कत हुआ है, समझ गए? डेटा सब इक्वल होना चाहिए तब होगा ना सर। हाँ इक्वल होना चाहिए, जैसे देख लीजिए ना आपके पास कितने हैं, सब इक्वल है तब आ गया। ये आपका चार चार छोटे छोटे फाइल में यूज हो सकता है, छोटा छोटा चीज में। हाँ लेकिन टी टू थ्री हो गया, इसलिए तरीका ये भी है कि जब इक्वल हो तो इसका यूज हम कर सकते हैं, नहीं तो फिर उसके लिए दूसरा उपाय तो हमारे पास है। दूसरा उपाय कौन सा है? कंडीशन। तरीके से कैसे इसको लेंगे, सब आर स्लैश वा,
यहाँ पे हम लूप वगैरह सेम लगाएंगे, फिर लिखेंगे कि फोर टू से चले, सॉरी फोर आई इक्वल टू 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 थ्री, और हम यहाँ पे नेक्स्ट और नाई कर देते हैं। अब यहाँ पे हम कंडीशन देंगे कि इफ, अब इसमें हमें एग्जैक्ट मैच करना है सर, सी इसमें टोटल कट कर लेना, कंकैटिनेट ना करके नहीं हो जाएगा सर, उसके लिए फिर काउंट इफ लगाना पड़ेगा। इफ इक्वल, इसमें इक्वल होता है, लॉजिक पूरा इक्वल लेता है। काउंट इफ, उसके लिए हम काउंट इफ यूज कर सकते हैं, काउंट इफ, और फिर हम यहाँ पे देंगे के साथ हमने आई को कंबाइन किया डॉट, यहाँ पे कॉमा, तो यहाँ पे ठीक है सर, कंडीशन होगा कि इफ सी इक्वल टू वन, ये बाकी प्रोसीजर ही होगा फिर, ठीक है। यहाँ पे एंड इफ सी इक्वल टू जीरो, आ गया टोटल सर, यही सर, क्योंकि बड़ा फाइल में तो जैसे कि मैं बताया कि स्टेप का काम हम कब करते हैं, हाँ स्टेप जब हमें एक पर्टिकुलर अंतराल पे चलना होता है, तो भाई इतने के बाद इतना चलना है, इसके बाद ये चलना है, इसके बाद ये चलना है, उस केस में जी सर डाउट इसमें नहीं, सही है सर। हाँ तो उसी तरह से अगर माइनस में आपका है, तो माइनस में से वन आपने कर दिया तो ये आपको लोअर टू हायर टू लोअर चलना, अगर टू कर दिया तो हायर टू लोअर दो दो का स्केल, या प्लस में चलना है ऐसे में चलता जाए, ठीक है। हाँ जी सर, कोई डाउट इसमें सर? नहीं सर। ओके आगे बढ़े, ठीक है सर। तो लूप में आप स्टेप को समझ लीजिए फॉर लूप में, और फिर फॉर ईच तो आपको पहले से आता ही है, राइट जी। कलेक्शन लूप, सिलेक्शन, कलेक्शन में ले सकते हैं, वर्कशीट में, वर्कबुक, ज्यादा ये ऑब्जेक्ट में काम करते हैं, सारे ऑब्जेक्ट में काम करता है जी। ओके इसको हम एरे में भी काम करते हैं, एरे में कभी यूज किया इसको आपने? सर एरे बेसिक में यूज थोड़ा बहुत हुआ है, और एल पर बहुत यूज करते हैं। चलिए तो जैसे कि आप अभी जो हमने नेम लिया था, इसी नेम में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नेम है, एक काम करता हूँ, एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं, मैं उसको मैं आधा करूंगा आधा आपको करना, राइट ठीक है सर। जैसे कि डेटा है मेरे पास, ओके, अब मैं कि जितने नेम है उन सारों नेम का अलग अलग फाइल बन जाए, या अलग अलग शीट बन जाए, ठीक है। इस डेटा को अभी क्या है, मेरा पूरा एक का डेटा है, अब मुझे इसको स्ट्रैक करना है एज पर नेम। तो प्रॉब्लम क्या है, नेम कई बार रिपीट है, तो आखिर में लूप कितना बार चलेगा, कितना बार फिल्टर लगेगा, कौन कौन नाम का फिल्टर लगेगा। तो एक तरीका तो हम लोग ये करते थे कि हम सीट टू पे जाते थे
और हम पेस्ट करते थे यहाँ पे और डेटा में हमारे पास होता था रिमूव डुप्लीकेट। उसके बाद फिर इसमें हम लूप चलाते थे कि भाई लूप चले 2 से लेके 10 तक और इसका हिसाब से नाम देते थे। लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि इसमें से यूनिक नेम अपने आप ले ले। तो मैं इसे बताने जा रहा हूं कि इसमें से यूनिक नेम यहां कैसे लिखा जाएगा, पता सर आपको कैसे होगा सर? इसमें फिर सर कंडीशन लग रहा है। हाँ जी, अच्छा इसमें यूनिक नाम यहाँ पे लाना है, तो फिर तो सर ये कंडीशन सही होगा। कैसे कंडीशन लगाओगे आप? इस नाम को उठाओगे, इसमें दोनों वगैरह है कि नहीं? हाँ प्रोसेस दो दो लूप चलेगा, पहला लूप चलेगा इसके अकॉर्डिंग, फिर चलेगा इसके अकॉर्डिंग, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर हम डालेंगे। ये बहुत लंबी हो गया, चलिए इसका शॉर्टकट तरीका सर एरेस होगा इसमें। हाँ एरे में होगा, लेकिन एरे में अलग तरीका है, देख बताता हूँ। अब यहाँ पे हम करेंगे लूप लगाएंगे कि लूप में वेरिएबल लेंगे कि डिम एज ए न्यू कलेक्शन। कलेक्शन एक डेटा टाइप है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, वैल्यू को जी। लेकिन इसकी खासियत है कि अपने कलेक्शन में वो डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं रखता है, अगर डुप्लीकेट वैल्यू आया तो एरर देगा। जैसे कि अगर डीटी पे अपने पूजा स्टोर कर दिया तो पूजा को दोबारा स्टोर नहीं करेगा, समझे जी। यहां पे लगाता हूं कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2 1 2 2 कर देता हूं, 2 2 कितना है हमारा लास्ट रो ले लीजिए, कुछ है 39 14। इसको डायनेमिक किया जा सकता है ना वैसे रेंज करके। अब यहां पर हम करेंगे डीटी डॉट एड, कौन सा एड करना है तो रेंज के साथ आई कंबाइन कर लेते हैं। आपको बताता होता है यहां पे करना होता है सी एस टी आर, ये क्या है चेंज स्ट्रिंग, क्योंकि ये जो है डेटा टाइप एक ही रहता है। मान लीजिए कि पता चला कि ऊपर ऊपर वाला ना, मान लीजिए कि 85 है, तो ऊपर 85 है, नीचे वाला 85 नंबर में ऊपर टेक्स्ट में तो रहेगा तो 85, लेकिन फिर मैच नहीं कर पाएगा, इसलिए यहां बताना पड़ता है कि कौन सा है। तो चेंज स्ट्रिंग करके और फिर यहां पे हम उसी चीज को लिखते हैं, तब जाके वो मैच करता है, समझे सर? अच्छा, जैसे कि मान लीजिए ना कि ऊपर में आपका 85 नंबर में और नीचे में आपका टेक्स्ट में, अच्छा दिक्कत होगा ना सर, इसलिए रूल ये है कि अब सबको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दो मुझे। अगर आप एक्सेल में दोनों को मैच करें दोनों बराबर नहीं होगा ना सर? नहीं होगा, इसलिए वो पूरा स्ट्रिंग कर दे रहा है फिर उसके। तो जितने भी अब इसमें क्या है कि इसमें एरर आएगा, तो जैसे डुप्लीकेट नेम इनपुट होगी ये एरर देगा। यहां पे आप बता दीजिए ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, मतलब कि एरर आया तो तुम उसको ऐड मत करो,
तो जो यूनिक होगा वही ऐड होगा, जो डुप्लीकेट होगा वो ऐड नहीं होगा। ठीक है, डीटी जो जीटी जो कलेक्शन हुआ है डीटी में सारे ऐड हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ यूनिक, डुप्लीकेट होते जो, जो मैच करेगा। हाँ, डुप्लीकेट मतलब कि जो पहले से अगर नहीं होगा वही डाउनलोड ऐड होगा, अगर होगा तो एरर देगा, तो ऑन एरर जूम नेक्स्ट उसको स्किप कर देगा। ठीक है, ठीक है। अब जो मतलब ये कि हमारा डीटी पे स्टोर हो गया है, मुझे एक मिनट सर, जिसे हेलो जैसे जैसे हमने मतलब कि सिंपल फर्स्ट कॉलम में हमने जो लूप चलाया और डीटी में ऐड किया, हमने उसको सीएसटीआर इसलिए डाला है ताकि सारा वैल्यू एक डेटा टाइप का हो जाए ताकि वो ऐड हो जाए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। यहाँ पे वापस तो यहाँ पे फोर इंच Each item हमने इच क्यों लगाया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि कितने डीटी पे कितने आइटम ऐड है, क्योंकि डीटी तो एक ऐड है, वो हजार भी हो सकता है, दस भी हो सकता है, दस भी हो सकता है, तो मैंने यहां पर फोर इच लगाया कि फोर इच आइटम इन डीटी इसका डिफॉल्ट की है एरे का, हमने अच्छा अंदर जितने हैं उतने चलेंगे, जितने डेटा होंगे उतने चलेंगे, और फिर वापस ओवर वन वन करके हम इसको ले लेंगे। ठीक है, ठीक है सर, रन करो। अब इस को रेफरेंस में लेते हुए सर आपको क्या करना है पुष्पेंद्र जी, जी माइक्रो बनाना है जो हमने भी आपको बताया है, उस शीट के जो नाम है उस नाम का शीट ऐड करके और उसमें वैल्यू उसके डालने हैं बिट्टू सिंह उस नाम का। हेलो, मेरा नाम बिट्टू डॉट सिंह है ना जी, मुझे जितने भी नेम है डेटा में, डेटा फाइल भेज रहा हूँ आपको, उतने जी उतने अलग अलग फाइल चाहिए, अलग अलग सीट चाहिए, और उस पर उसी का डेटा होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, ये बना के मुझे भेजिए और हम कल मिलेंगे इसी टाइम पे और कल हम डिस्कस करेंगे इससे आगे की चीज। ठीक है सर, फोर इसको समझ लिया, स्टेप को समझ लिया। हाँ जी सर।